भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को कहा कि भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में जीतने की अच्छी संभावनाएं हैं। पूर्व कप्तान ने हालांकि माना कि इसके लिए भारत को कड़ी मेहनत करनी होगी। अजहरुद्दीन ने यहां ईडन गार्डन्स में जगमोहन डालमिया वार्षिक सम्मेलन में कहा कि विराट कोहली की टीम की ऑस्ट्रेलिया में जीतने की अच्छी संभावनाएं हैं। भारतीय टीम अच्छी है और इसलिए मैं उसे जीत का प्रबल दावेदार मानता हूं। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन यह भारतीय टीम जीत सकती है। वहीं पूर्व कप्तान ने भारतीय सीम चौकड़ी को भी इशारा कर दिया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्पेशल तैयारी करनी होगी, वरना उनके लिए खासी मुश्किलें आ जाएंगी। अजहर के अलावा इस सम्मेलन में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा, कार्ल हूपर, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली मौजूद थे। इन सभी ने चर्चा में हिस्सा लिया और 1993 CAB टूर्नामेंट द हीरो कप की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया। BCCI के पूर्व अध्यक्ष डालमिया पर लेक्चर देने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रैम स्मिथ भी इस चर्चा का हिस्सा थे। अजहर से कोकाबुरा गेंद को लेकर चल रहे विवाद के बारे में भी पूछा गया। हाल ही में सचिन ने भी कहा था कि कोकाबुरा गेंद वक्त के साथ मुलायम हो जाती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में शॉट लगाना आसान होता है। अजहर ने कहा कि मेरा मानना है कि अलग अलग देशों में अलग अलग गेंदों का इस्तेमाल होता है, आप नियमों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोकाबुरा गेंद के साथ बात यह है कि ये ज़्यादा स्विंग नहीं करती। इंग्लैंड में ड्यूक गेंद का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत में SG गेंद का। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।